हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल 2016 में पढ़ाने जा रहा हूं वी लुकअप एंड मैच फंक्शंस के बारे में कि मैच फंक्शन वी लुकअप के साथ किस तरह से काम करता है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैंने यहाँ पे एक पैटर्न एग्जांपल दी हुई है कि मेरे पास फर्स्ट कीजिए ये कंप्यूटर कोर्सेज हैं और ये मंथ से हमारे पास, और यहाँ पे किस कोर्स का किस महीने में टोटल कितनी फीस हमारी यहाँ पे जमा हुई है। अब जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है ऑफिस मैनेजमेंट, और ऑफिस मैनेजमेंट में अगर यहाँ पर जनरली हम देखें 35,000 है। अगर हम यहाँ पर टाइप करते फ़र्ज़ कीजिए कि मार्च, तो हम जैसे MR लिखते हैं तो ये देखिए 15,000 इसमें शो हो रहा है हमारे पास। अगर यहाँ पे हम अगस्त टाइप करते हैं तो यहाँ आप देखिए 26,000 शो हो रहा है। और यहाँ पे किसी भी कोर्स को हम टाइप करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया जेल्प, तो जेल्प का अगस्त में 35,000 रुपीस में आ रहा है। तो ये फंक्शन जो है वी लुकअप के साथ, मैच का मैंने फंक्शन यहाँ पर यूज़ किया है कि इसको किस तरह से हमने अप्लाई करना है। वरना वी लुकअप में क्या होता है कि जैसे ही आप यहाँ पे कोर्स टाइप करते हैं और उसके बाद आपने कॉलम नंबर देना होता है, और जिस कॉलम में वो डाटा होता है वही डाटा शो होता है, बाकी कॉलम का डाटा शो नहीं होता। तो इसको किस तरह से हमने अप्लाई करना है मैच फंक्शन को, सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस डाटा को मैं डिलीट कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पर कोई भी कोर्स टाइप कर लिया। जैसे मैंने टाइप कर लिया यहाँ पर ऑफिस मैनेजमेंट, और फिर इसके बाद हम यहाँ पे फार्मूला टाइप करने वाले हैं इज़ इक्वल टू, और टाइप करेंगे वी लुकअप ब्रैकेट शुरू, और सबसे पहले हम लुकअप वैल्यू देंगे कि हम ऑफिस मैनेजमेंट को ही लुकअप करना चाह रहे हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ कीबोर्ड से F4 भी प्रेस कर सकते हैं इसे लॉक करने के लिए। कॉमा टाइप करेंगे, फिर उसके बाद आपने इन तमाम सेल्स को आपने सेलेक्ट करना है। इस सेल्स को भी हम यहाँ पर लॉक कर लेते हैं F4 प्रेस करके, और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा टाइप करना है। और कॉमा टाइप करने के बाद यहाँ पे हम मैच फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो आपने यहाँ पे टाइप करना है मैच ब्रैकेट शुरू, और फिर लुकअप वैल्यू हम देंगे जैसे कि यहाँ पे अगस्त, यानी जो भी मंथ हम यहाँ पे टाइप करें तो यहाँ पे हमें उस मंथ के हिसाब से डाटा शो करवा दें। उसके बाद यहाँ पर अगर आप F4 प्रेस करना चाहते हैं ये भी F4 प्रेस कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने कॉमा टाइप करना है, कॉमा टाइप करने के बाद आपने तमाम हेडर्स को आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है टेबल के, और उसके बाद यहाँ पे F4 प्रेस करते हैं और कॉमा टाइप करेंगे। फिर इसके बाद आपने एग्जैक्ट मैच में 0 टाइप करेंगे, फिर शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद अगेन कॉमा एंड एग्जैक्ट मैच ब्रैकेट क्लोज, एंड जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर नॉट अवेलेबल इसमें आ रहा है। तो यहाँ पे कैप्स लॉक हम ऑफ करते हैं, उसके बाद स्मॉल लेटर में टाइप करते हैं जैसे कि ऑफिस मैनेजमेंट। तो यहाँ पर देखिए ऑफिस मैनेजमेंट इसमें 26,000 हमारे पास अगस्त में इसकी फ़ीस जमा हुई है, और अगर हम जैन टाइप करते हैं तो यहाँ पे 35,000 में आ रहा है। अगर हम यहाँ पे फेब टाइप करते हैं, फर्स्ट के मैंने यहाँ पे फेब टाइप किया तो यहाँ पे 45,000 में आ रहा है। अगर यहाँ पे कोर्स हम चेंज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया जेल्प, तो जेल्प आप देखें फेब में 25,000 इसमें शो हो रहा है। अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं, फर्स्ट कीजिए कि मैंने यहाँ पे माय टाइप कर लिया, और उसके बाद जैसे मैं एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए 18,000 यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह से ये आपका मैच फंक्शन वी लुकअप के साथ यूज़ होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।